अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको प्रेसिस सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ। कल आपका एग्ज़ाम है, विश यू गुड लक। आप लोग परेशान बिल्कुल ना हो, अपने नर्व्स पे आप थोड़ा कंट्रोल रखें, अल्लाह ताला करम करेगा, अल्लाह ताला करम करने वाला है। अच्छा जी, तो मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ प्रेसिस राइटिंग का। सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ जितनी वीडियोज़ मैं अपलोड कर सकता हूँ कर दूँ आप लोगों की फैसिलिटेशन के लिए, और इसको ज़रूर शेयर करें। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अकेडमी से अफोर्ड नहीं करते, उनकी हेल्प करें, कुछ नहीं होता, हर किसी ने अपना नसीब का लेके जाना है। तो शुरू करते हैं जी प्रेसिस राइटिंग के प्रोसेस से। जब आपके सामने प्रेसिस के पेपर सुबह आएगा, तो आपने पहले तो परेशान नहीं होना, आपने रिलैक्स होके आपने उस प्रेसिस के पैसेज की रीडिंग करनी है। पहली रीडिंग में आप क्या काम करेंगे, पहली रीडिंग में आप एक दफा क्विक रीडिंग देंगे, सिर्फ एक दफा क्विक रीडिंग देंगे अपने प्रेसिस को, और उसके बाद उसमें कोशिश करें साथ साथ आपको जो मेन आइडियाज लगते हैं प्रेसिस में के हैं, उनको पेंसिल से अंडरलाइन करते जाएं। फर्स्ट रीडिंग में क्विक रीडिंग देंगे, और जो आपको मेन आइडियाज लगते हैं ना, उनको आप अंडरलाइन करते जाएं। तो इस तरह पहली रीडिंग मुकम्मल कर लेंगे, और आप साथ साथ सारे मेन आइडियाज को हाईलाइट कर लेंगे। उसके बाद आपने दूसरी रीडिंग करनी है प्रेसिस की, लेकिन आपने दूसरी रीडिंग में करना क्या है, दूसरी रीडिंग में आपने ये देखना है कि एग्जामिनर ने या पेपर सेटर ने किस आइडिया को कितनी इंपॉर्टेंस दी है। आपने देखना है कि क्या आइडिया ज्यादा डिस्कस हुआ है, किस आइडिया पे फोकस है पेपर सेटर का। इसी तरीके से आपने कनेक्टिविटी देखनी है कि पैसेज कनेक्ट कैसे हो रहा है आपस में। तो सेकंड रीडिंग के अंदर आपने इन चीजों पे गौर करना है कि पैसेज की कनेक्टिविटी कैसी है, रिदम कैसे है, और किस आइडिए पे कितना फोकस किया गया है, ताकि आप अपनी पैसेज भी उसी सीक्वेंस के मुताबिक चले। तो ये तो था रीडिंग का प्रोसेस, और इस पर आपके 15-1 मिनट लग सकते हैं आराम से समझना है पैसेज, मतलब आपने आराम से पैसेज की रीडिंग करनी है, समझ आपको दिया जाएगा। तो पहली रीडिंग आपने उसमें सारे पॉइंट्स हाईलाइट कर लेने जो आपको इंपॉर्टेंट लगेंगे, दूसरी रीडिंग में आपने ये देखना है कि कौन सा पॉइंट कितनी इंपॉर्टेंस दी गई है, और पैसेज की आपस में कनेक्टिविटी कैसे है, कैसे रिदम बना हुआ है पैसेज का। तो दो रीडिंग आपने कर ली। अब आपने करना क्या है, आंसर शीट आपने खोलनी है, पहले पेज पे क्वेश्चन का नंबर लिखना है प्रेसिस का, और पहला क्वेश्चन प्रेसिस का ही आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप नीचे अच्छा तरह कर लेते हैं तो आप बाकी पेपर भी अच्छे इंप्रेशन डाल लेते हैं। तो आप हेडिंग दे क्वेश्चन नंबर 1 की, और वहां पे आपने लिखना है पॉइंट्स फॉर द प्रेसिस। ये हेडिंग देनी है आपने, पॉइंट्स फॉर द प्रेसिस। इसमें करना क्या होता है, आपने सारे पॉइंट्स पैसेज के सीक्वेंस के हवाले से साथ साथ आपने लिखते जाने, नंबरिंग देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और पॉइंट्स आप जितने बना सकते हैं, कोई आइडिया आपने स्किप नहीं करना। हाँ, आप वो एग्जाम्पल स्किप कर सकते हैं जो कि आपको इररिलेवेंट लगे, लेकिन पॉइंट्स बनाने वक्त आपने तमाम पॉइंट्स डिटेल में लिखने हैं, आपने सीक्वेंस मेंटेन रखना है पॉइंट्स का। पहले नंबर पे वही पॉइंट आना चाहिए जो कि पैसेज में पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे वही पॉइंट आना चाहिए जो पैसेज में दूसरे नंबर पे है, और लास्ट में वो पॉइंट आना चाहिए जो पैसेज में आखिरी जगह पे आया हुआ है। तो सीक्वेंस वाइज आपने अपने पैसेज के पॉइंट्स बना लेने हैं सारे, और नंबरिंग दे देनी है, और आपने हेडिंग देनी है पॉइंट्स फॉर द प्रेसिस। एक चीज याद रखिएगा, यू डू नॉट एग्जिस्ट इन प्रेसिस। आपने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखना, ऑथर ने जिस तरह से चीजें लिखी हुई हैं आपने उनको उसी तरह से पॉइंट्स बना देने हैं। हाँ, आपने इस चीज का ख्याल करना है कि आप ऑथर की सारी वोकैबुलरी यूज नहीं करेंगे, आप 20% वोकैबुलरी ऑथर की यूज कर सकते हैं, लेकिन 80% आपने उसको अपने वर्ड्स में लिखना है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो पहला पेज आपका शीट का ये आ जाता है जी पॉइंट्स फॉर द प्रेसिस। तो आपने सबसे पहले रीडिंग करने के बाद 2 दफा पॉइंट्स बनाने हैं प्रेसिस के। तो जब आपने पॉइंट्स बना लिए, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आप जाएंगे दूसरे पेज पे, सेकंड पेज, और उधर आप हेडिंग देंगे रफ ड्राफ्ट की ऊपर, और आप एक पैराग्राफ बनाएंगे इन पॉइंट्स की मदद से। अब आपने जो ये पॉइंट्स बनाए थे, जितने भी बने, 10 बने या 15, इनको आप कन्वर्ट करेंगे एक रफ पैराग्राफ में, एक पैराग्राफ बनाएंगे आप पूरे का पूरा। और ये पैराग्राफ हमने बनाना क्यों है, मैं आपको मकसद बता देता हूं।
ये पैराग्राफ आप इसलिए बनाते हैं कि इसके ऊपर आप वर्किंग करते हैं, आपने जो कटिंग करनी है, जो आपने सेंटेंस कनेक्टर डालना है, जो वोकैबुलरी के वर्ड्स रिप्लेस करने हैं, कोई आपने सेंटेंस को दो को कनेक्ट करना है, जो भी वर्किंग आप करना चाहते हैं वो आप रफ ड्राफ्ट में करते हैं। एग्जामिनर को नजर आता है कि यार इसने वर्किंग की हुई है, इसने प्रेसी पे काम किया हुआ है, इसने मेहनत किया है प्रेसी के ऊपर, और ये एक बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है। तो आप रफ ड्राफ्ट बनाएं, एक रफ पैराग्राफ बनाएं, किसकी मदद से, इन पॉइंट्स की मदद से आप रफ पैराग्राफ बनाएंगे, और उसमें आपने जितनी वर्किंग आप करना चाहते हैं, तरीका ये होता है, आप रफ ड्राफ्ट बनाएं पॉइंट्स की मदद से, सोचते रहे कि वोकैबुलरी का वर्ड आप रिप्लेस कर लें ऑथर का, तो वोकैबुलरी भी आप रिप्लेस कर दें ऑथर की, ताकि आपकी वोकैबुलरी ज्यादा आ जाए, ऑथर की वोकैबुलरी कम रह जाए। और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सेंटेंस कनेक्टर ऐड करने हैं अपने रफ ड्राफ्ट में। क्यों? आपने अपने रफ ड्राफ्ट में कोशिश करनी है आपका जो आपका है ना कनेक्टिविटी आपके पैराग्राफ की, वो बहुत जबरदस्त बन जाए, आपका एक वेल कनेक्टेड और सीक्वेंस बड़ा जबरदस्त स्मूथ पैराग्राफ होना चाहिए, पढ़ने के बाद समझ आनी चाहिए कि प्रेसी बनाई गई है अच्छे तरीके से। आपने आइडियाज को स्किप नहीं करना कि आप आइडियाज जो से हैं वो कट डाउन कर दें लेंथ पूरी करने के लिए। रफ ड्राफ्ट बनाए, उसके बाद वर्ड्स काउंट कर लें, अगर तो वर्ड्स बहुत ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल आपको 300 वर्ड्स चाहिए और 400 वर्ड्स हो गए हैं, कटिंग करना शुरू करें, कौन से आइडियाज अंदर से या कौन से आप वर्ड्स कट कर सकते हैं, कौन से आइडियाज को आप श्रिंक कर सकते हैं। आइडिया स्किप नहीं करना, आइडिया को श्रिंक करें फ्रेजेस और क्लॉजेस की मदद से, सेंटेंसेस को श्रिंक कर दें, और आप फिर कटिंग करते करते आपने रिक्वायर्ड लिमिट के अंदर ले आनी अपने वर्ड लिमिट। फॉर एग्जाम्पल 300 चाहिए थे तो आप 320 तक ले आए कटिंग करके, अपने फ्रेजेस क्लॉजेस ऐड करके, इसमें कनेक्टर्स ऐड करके, सेंटेंसेस को श्रिंक करके, आपस में कनेक्शन बना के, सारी वर्किंग जितनी मर्जी आप वर्किंग करें, कटिंग करें जो मर्जी करें, रफ ड्राफ्ट के ऊपर आप कर सकते हैं, ताकि आपकी रिक्वायर्ड वर्ड लिमिट के अंदर प्रेसी आ जाए। 300 चाहिए तो 320 तक आप कर लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन सारी वर्किंग आप करेंगे रफ ड्राफ्ट के अंदर, और एग्जामिनर को शो करेंगे कि यस यू हैव वर्क, यू हैव डन समथिंग, और आप बताएंगे कि आपने हार्ड वर्क किया प्रेसी के ऊपर। तो पॉइंट्स की मदद से आप बना लेंगे रफ ड्राफ्ट, और रफ ड्राफ्ट में आप ये बात मेक श्योर कर लेंगे कि आपने वर्ड लिमिट आप उसको विद इन द रिक्वायर्ड लिमिट ले आए हैं, और आप उसमें सेंटेंस कनेक्टर्स ऐड करेंगे, और आप कनेक्टिविटी इंप्रूव करेंगे पैसेज की, और आप देखेंगे कोई इररेलेवेंट एग्जांपल है या कोई एग्जांपल आप एक्सक्लूड करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ से एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो ये तो सेकंड पेज पर आपने रफ ड्राफ्ट बना लिया। जब आप रफ ड्राफ्ट बना लेंगे तो आपका काम ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है, इसलिए आपने परेशान नहीं होना कि आप नीट ड्राफ्ट भी बनाना है। रफ ड्राफ्ट जितना आप अच्छा वर्किंग रफ ड्राफ्ट में करेंगे उतनी अच्छी प्रेसी आपकी होगी फाइनल ड्राफ्ट में। तो तीसरे पेज पे आप चलेंगे रफ ड्राफ्ट बनाने के बाद, तीसरे पेज पे हम नीट ड्राफ्ट की हेडिंग देंगे, और अब रफ ड्राफ्ट को चूंकि आपने सारा काम रफ ड्राफ्ट में कर लिया है, अब आप रफ ड्राफ्ट से अपना नीट ड्राफ्ट लिख देंगे, और चूंकि आपने जो वर्ड लिमिट थी वो कट डाउन कर ली थी रफ ड्राफ्ट में ही, जितना वर्क करना था आपने यहाँ पे कर लिया था, तो नीट ड्राफ्ट में आपको वर्किंग की जरूरत नहीं होगी। आपने सिर्फ यहाँ से उस ड्राफ्ट को जो आपने सारा उसमें चेंजिंग की है, उसको इम्प्रूव किया है, अब वो नीट ड्राफ्ट की फॉर्म में यहाँ लिख देंगे, और नीट ड्राफ्ट एक पैराग्राफ होगा और उसमें कोई कटिंग अलाउ नहीं है, उसमें आप कोई कटिंग नहीं करेंगे, बिल्कुल एक पैराग्राफ लिखेंगे, यहाँ स्टार्ट होगा यहाँ पे खत्म हो जाएगा, कनेक्शन ऑलरेडी आप बना चुके हैं रफ ड्राफ्ट में, कोई कटिंग नीट ड्राफ्ट में अलाउड नहीं है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक अलाउड नहीं है। तो इस तरह आप रफ ड्राफ्ट से नीट ड्राफ्ट कन्वर्ट करते हैं। पहले आपने पॉइंट फॉर द प्रेसी बनाए, फिर आपने रफ ड्राफ्ट बनाया, सारी वर्किंग मेहनत रफ ड्राफ्ट पे की, 10 मिनट लगाए या 15 मिनट पे लगाए, फिर उसको नीट ड्राफ्ट में कन्वर्ट किया, और नीट ड्राफ्ट लिखने के बाद तीसरे पेज के ऊपर हेडिंग देनी है नीट ड्राफ्ट, और जब आप नीट ड्राफ्ट लिख लेते हैं उसके बाद आपने नीचे समरी की हेडिंग देनी है एग्जामिनर की फैसिलिटेशन के लिए कि जी मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या किया है। आप लिखेंगे वर्ड्स इन द पैसेज, जो आपका ओरिजिनल पैसेज है ना प्रेसी का जो पेपर में दिया गया है उसका एक एक वर्ड काउंट करना है आपने, हर वर्ड काउंट करना है, उसमें जितने वर्ड्स हैं 500 वर्ड्स हैं फॉर एग्जाम्पल या 600 वर्ड्स हैं, तो आपने यहाँ लिख देना जी कि ओरिजिनल पैसेज जो आपने पेपर में दिया था उसमें 600 वर्ड्स थे। फिर आप लिखेंगे वर्ड्स इन नीट ड्राफ्ट कि आपने इस जो नीट ड्राफ्ट बनाया है उसमें कितने वर्ड्स आपने बनाए हैं, तो कितने चाहिए हमें, 200 चाहिए, आप बेशक लिख दें मेरे नीट ड्राफ्ट में 220 वर्ड्स हैं, 200 है तो आप 220 तक जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो आपने लेकिन 220 से ऊपर नहीं जाना, 225 से ऊपर नहीं जाना, आपने वर्कशीट कर लेते हैं लिमिट आप, तो आप बताएंगे कि मेरे नीट ड्राफ्ट में इतने लफ्ज हैं, ये बता रहे हैं कि मैंने आपकी रिक्वायरमेंट पूरी की है, प्रेसी को 1/3 किया है मैंने, और वर्किंग भी की है, उसमें मेहनत भी की है। फिर आप बताएंगे वर्ड्स रिक्वायर कितने थे आपको, 200 रिक्वायर थे आपको,
220 आपने बनाए हैं तो आपने बड़ा अच्छा काम किया है कि 200 रिक्वायर्ड थे 220 तक आपने बना दिए और आपने वर्किंग भी की है, कनेक्टर भी ऐड किए हैं, उसको एक अच्छा कन्वर्ट पैसेज किया है। एंड पे आप टाइटल लिख देंगे और टाइटल आप इस तरह लिखेंगे, अगर तीन पैराग्राफ दिए हुए आपको प्रेसी में तो तीनों पैराग्राफ से एक मेन आइडिया लेके आप टाइटल बनाते हैं प्रेसी का और टाइटल यहाँ पे आप लिख देंगे अच्छा सारा करके। टाइटल लिखना मत भूलिएगा और नीट ड्राफ्ट लिखने के बाद एंड पे मार्जिन लगा दीजिएगा कि क्वेश्चन फिनिश हो गया है, इस तरह करके। ठीक है जी, तो ये आपका तरीका था प्रेसी करने का। सबसे पहले रीडिंग करनी है पैसेज की, सारे मेन आइडियाज हाईलाइट करने हैं। सेकंड रीडिंग में आपने क्या करना है, ये देखना है कि पैराफ्रेजिंग कैसी है, कनेक्टिविटी कैसी है, किस आइडिया को कितनी इंपॉर्टेंस दी है, क्या उसमें ज्यादा डिस्कस हुआ हुआ है। फिर क्या करना है, पॉइंट्स फॉर द प्रेसी बनानी है, उसमें आपने सारे डिटेल पॉइंट लिखने हैं, एग्जाम्पल जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो शुरू कर दीजिएगा। उसके बाद आपने ये आप एग्जिस्ट नहीं करते प्रेसी में, प्रेसी में आपने ऑथर की जैसे ऑथर ने लिखा वैसे ही आपने उसको कन्वर्ट करना है अपनी वर्डिंग में और 80% आपकी वर्डिंग होनी चाहिए, 20% ऑथर की वर्डिंग होनी चाहिए। रफ ड्राफ्ट पे काम करें, रफ ड्राफ्ट पे मेहनत करें, क्योंकि रफ ड्राफ्ट ही जितना आप मेहनत रफ ड्राफ्ट पे करेंगे, जितनी अच्छी कनेक्टिविटी हो, जितना अच्छे पैसेज आप यहाँ बना लेंगे, वो नीट ड्राफ्ट में रिफ्लेक्ट करेगा। और नीट ड्राफ्ट बनाने के बाद समरी लाजमी लिखें। तो ये प्रोसीजर था प्रेसी लिखने का, देखते रहिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और हाँ दूसरों की हेल्प कीजिए, इसको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।